हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नेट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन में से इमेज हम कंट्रोल जी करके कॉपी करते हैं वर्ड में, उसमें उसमें जो ब्लैंक स्पेस रहता है उसे हमें रिमूव कैसे करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब हम यहाँ पर कॉपी करते हैं तो हमें यहाँ पर होम वाले ऑप्शन में जो कॉपी का ऑप्शन है उसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया है प्रेजेंटेशन में से एक कंट्रोल जी करके एक इमेज, और ये इमेज में जब हम इसे ड्रैग करके पूरी तरह से इसको परफेक्ट साइज में वर्ड फाइल पे लेके आते हैं, तो अब यहाँ पर एक्चुअली ये थोड़ा सा इसके आउटर लाइन दिख नहीं रही है, तो उसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे कलर कर देंगे तो ये प्रॉपरली दिखेगी। तो हमें समझ में आएगा कि इसमें जो ये इमेज है इसमें ब्लैंक स्पेस कितना है। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में है, राइट साइड। तो अब इसमें ये जो ब्लैंक स्पेस है इसे हम निकालना है, तो अगर इसे हम ड्रैग करके ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है आउटर आउटलाइन के साथ। तो और अगर इसको ज्यादा ड्रैग करके अंदर तक ले जा रहे हैं तो वर्ड्स जो है बहुत सारे, जो अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो छोटे दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अब ये जो स्पेस है इसको लंबा करने से ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो इमेज की जो है क्वालिटी और वर्ड्स थोड़ा बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे हैं। तो अब इसमें जो जो ब्लैंक स्पेस है इसको हमें रिमूव कैसे करना है, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन फिर से जाना पड़ेगा, जो कंट्रोल जी किया हुआ है इसमें, जो कंट्रोल ए करके हमने कंट्रोल जी किया हुआ, तो उसमें क्या है, कुछ इमेज की जो ब्रैकेट की जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी साइज बड़ी रह गई है, तो उसे हमें छोटा कर देना है और उसको प्रॉपरली उसके साइज में लेके आना है जो प्रेजेंटेशन की। और जैसे ही ये प्रेजेंटेशन के साइज में आ जाता है या बहुत बार ब्लैंक स्पेस रह जाता है स्पेस करके ड्रैग करके, तो उसे हमें रिमूव कर देना है एक एक, जहां पर जो फाइल मीन्स वर्ड के वो है टेक्स्ट लिखने के जो ब्रैकेट्स हैं उसको हमें छोटे कर देना है और उसको प्रॉपर साइज में लाना है प्रेजेंटेशन के। जैसे ही आप साइज में लाएंगे ऑटोमेटिक साइज छोटी हो जाएगी, कंट्रोल जी करेंगे तो ऑटोमेटिक साइज छोटी हो जाएगी। अब इसे हमें कॉपी कर लेना है। हमें कॉपी करने के लिए जो इसका होम ऑप्शन वाला कॉपी का ऑप्शन है उसे ही कॉपी करके यूज करना है। अब यहाँ पर इसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे जो इमेज हमने अभी लेटेस्ट बनाई है ब्लैंक स्पेस रिमूव करके, अब उसे यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लैंक स्पेस है वो रिमूव हो गया है। तो ये एक छोटा सा ऑप्शन था। अब इसे आउटलाइन देंगे तो इसे आप देखेंगे कि इसमें से पूरी तरह से ब्लैंक स्पेस रिमूव हो चुका है और ये इमेज पूरी तरह से परफेक्टली इसमें आ चुकी है वर्ड फाइल में। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है इसे रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च। थैंक यू वेरी मच।